हर छह छह महीने में करता हूँ। सुनो तो, मैं गया भाई और घूमने, भाई मैंने वहां देखा लोग पैदल चल रहे हैं। हाँ भाई, दिन को 10-10 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, क्योंकि वहां पे पैदल चलने की जगह है और पेडेस्ट्रियन को, साइक्लिस्ट को इज्जत दी गई है। पता है आपको, वो लेजिट उनके सिटीजन मानते हो ना वो लोग। ऐसी बात नहीं है जो साइकिल पे चल रहा है, हट बैच। यहां तो साइकिल या तो मैंने चोरी होती देखी है इस देश के अंदर, या फिर साइकिल का टायर देखा, कभी साइकिल ठुकती है तो उसका टायर ऐसा अजीब सा टेढ़ा सा हो जाता है। नहीं भाई, मैं सच में वहां देखे हैरान रह गया। पता है वहां भाई सड़क गाड़ी के लिए नॉर्मल रोड, साइकिल लेन, पेडेस्ट्रियन लेन, ग्रीनरी जो कि ग्रीन ही है भाई पूरा, और हर कोई अपनी अपनी लेन में जा रहा है, लोग एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं। साइकिल की रेड लाइट, जब साइकिल की ग्रीन लाइट थी तो गाड़ियां रुक रही थी कि साइकिल जाएंगी। मैंने कहा तो कितनी अच्छा यार, ये कैसा इकोसिस्टम, सब लोग इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट है एक दूसरे के लिए। नहीं, मैंने कहा ठीक है यार, बड़ी अच्छी बात है, ये चीज मैं अपने देश में लेके जाऊंगा यार, मुझे ये माहौल चाहिए भारत देश के अंदर, मैं ये माहौल भारत में लेके आया। फरीदाबाद में मैंने स्टार्टिंग करी भाई। ऐसी बात नहीं, फरीदाबाद में पैदल चलने की जगह नहीं है, है फुटपाथ है, पर वो कहां खत्म होंगे आपको नहीं पता भाई। मैं एक फुटपाथ पे चढ़ा, वो ठेकेदार ने ना टेढ़ा बना रखा था, टेढ़ा समझ लो, जब शुरू सड़क के साइड में हुआ था, पर जब वो फुटपाथ एंड हुआ ना, हल्का हल्का ऐसे रखा था ऐसे, तो जो बाइक ट्रैफिक आ रहा था वो बच बच के ऑलरेडी निकल रहे थे यहां से। अब मुझे वाली बात पता ही नहीं, मैं चढ़ा फुटपाथ पे, मैं उतरा भाई, पूरा ट्रैफिक यहां पे आ रहा मेरे, बाकी सब तो निकल गए, एक बाइक वाले से कंट्रोल नहीं, उसने मेरे बाइक यहीं पर डाल दी। पता है यहां घुसा बाइक का टायर मेरे यहां पे घुसा एकदम, यहां बंदे का चेहरा मेरे यहां पे, एंड ऑब्वियसली हेलमेट तो नहीं पहना था उसने भाई। हमारी बस मैं बता रहा हूं चुम्मी होने ही वाली थी, कुछ ऐसा ही था एकदम, होता नहीं मेरे से अचानक से कह रहा भैया क्या हो गया। मैंने कहा ओ ट्राइंग टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन, मेरे से इतनी मुंह के पास कह रहा भैया क्या हो गया, और मैं यहां पे टायर घुसा पड़ा है, मैं खड़ा हूं ऐसे बाइक के ऊपर उसकी। मैंने कहा भैया चले 26 जनवरी की परेड पे चले क्या, तैयारी तो हो ही गई है हमारी, राष्ट्रपति को सलामी मार के आते। आपने कहां सीखा, फरीदाबाद के फुटपाथ पे सीखा। आप मानो चाहे मत मानो, इंडिया में पेडेस्ट्रियन की और साइक्लिस्ट की 1 रुपए की इज्जत नहीं है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही कम है, और जो लोग सड़क पे, जो हमारे अंदर भी सड़क सभ्यता 1 रुपए की नहीं है, जो लोग गाड़ी चलाते हैं किसी को कोई है ही नहीं, कोई सेंस दिखाती नहीं उनकी तरफ। आप फुटपाथ पे चले जाओ भाई, पूरी मारियो वाली गेम चल रही होती है। आपने बचपन खेला मारियो गेम, खेला मारियो, फुटपाथ पे चले पूरा वही गेम चल रहा है। सबसे पहले फुटपाथ पे चढ़ो, एक गोलगप्पे वाला बैठा होता है, पानी पूरी वाला, सबसे पहले वो बैठा होता है, उससे गोलगप्पे खाओ थोड़ी पावर ले लो, टैंड टैंड टैंड, मारियो फूल नहीं होता, टैंड हल्का सा आगे निकलो, एक बंदा पड़ा होता है क्रॉस में, ऑब्स्टेकल है। अब आपको पता नहीं कि ये दारू पी के पड़ा है कि लाश है, पर आप तो घटिया इंसान, तो हमें क्या मतलब आगे निकलो। मैं आगे जाओ, मैन होल खुला होता है, उसके अंदर घुसो, टैंड 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 टैंड, गेम ओवर। मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली में भाई मेरी दोस्त का सच में हुआ ये चीज, सच में लिटरली, वो कॉलेज टाइम की बात है हमारे, वो थोड़ी जॉली सी लड़की थी एकदम, जस्सी नाम था उसका, हमेशा खुश, जिंदगी में हमेशा खुश लोग नहीं होते। हम जा रहे सड़क पे चलते थे, कुछ तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रही मेरे को, फालतू की कोई बात ऐसे रेगुलर चलते चलते ना उल्टा घूम गई, जैसे हम ऐसे चल रहे हैं वो घूम गई, तेरी गौरव तुझे पता ये हुआ वो हुआ गायब। मैं जस्सी भाई आगे जाके देखा, वो तो किस्म से, कसम बता रहा हूँ, सूखा गटर था इसलिए दिख गई मेरे को, नीचे पड़ी ऐसे, चिल्ला पड़ा यहां से, हाथ पूरा बाहर निकालिए मुझे जरा। मैंने कहा अंदर जाके वहां वाले से निकला, एक काम कर, कोई रिस्पेक्ट नहीं भाई पेडेस्ट्रियन की एक मैन होल बचाने के लिए, मैन होल दिखाने के लिए आपको पता क्या कर दे, ढक्कन बंद नहीं करेंगे, उसके अंदर एक पतली डंडी डाल देंगे, देखिए आपने। और मैंने लकीली उस मैन होल में जो चलते लोग हैं वहीं घुसते हैं, फुटपाथ से सारी बाइकें जाग रही हैं, वो कभी नहीं घुसती उसके अंदर, वो साइड से काट काट के निकल जाती है। पेडेस्ट्रियन की ना साइकिलिस्ट की 1 रुपए की, आपको पता है इंडिया में 50% लोग साइकिल से कम्यूट करते हैं, 14% गाड़ियां हैं, 14-15% लोगों के पास गाड़ियां व्हीकल्स हैं, उनके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। गुड़गांव में भाई अगर साइकिल वाला बंदा अंडरपास में घुस जाए ना, घुस जाए अगर वो अंडरपास में, यूटर्न मारते मारते वो 65 साल का हो जाता है। और गाड़ी वाले इतने बदतमीज है पता है आपको, एकदम साइकिल वाले की एकदम पिछवाड़े के पास जाके हॉर्न मारते, एकदम पास जाएंगे पम। कभी अपने साइकिल वाले की ढूंढ बिछती देखी एकदम,
यू नो नहीं बीचना लाइक दिशाई कभी अपने साइकिल वाले का पिछोड़ा इकट्ठा होते आई बच गया जिंदा बच गया आज बच गया। वो तो नए जमाने के सारे वो अमीर साइकिलिस्ट है जिन लोगों ने लाइट लगवा ली अपने ऊपर पूरी। देखा आपने जो बंदे साइकिल करने निकलते हैं वो ऐसे निकलते हैं कि आज मौत हो सकती है पर फिट रहना भी जरूरी है। यहाँ लाइट दो लाइट है यहाँ लगा दी साइकिल पे लाइट सब चमक रहा है। अरे मार मत देना भैया घर पे लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की भाई। यूटर्न बनाया ही नहीं है साइकिलों के लिए। यूटर्न मारने के लिए जा रहे 4-4 किलोमीटर आगे। मैं बता रहा हूँ यार आपको सच में किसी को रिस्पेक्ट नहीं है। और मेरे हिसाब से दोस्तों रॉन्ग साइड को तो लीगल कर देना चाहिए। वो वक्त आ चुका है इस देश के अंदर ये रॉन्ग साइड का नाटक खत्म करो। दिल्ली की बात है मैं एक जगह जा रहा हूँ बंदा आ रहा था रॉन्ग साइड से। मैंने बोला भैया क्या कर रहे हो कर क्या बे भाई। वो इतनी तेज चिल्ला के बोला मैंने कहा बहन मैं तो गलत नहीं आ रहा कदम से भाई। मैंने भाई शादी के कार्ड भी लिखा देख लिया फ्रॉम ब्रिजवासी कचौड़ी टेक 200 मीटर रॉन्ग साइड। RSVP दिस फैमिली। सोच रहे बंदे ने भाई पूरी बारात ही रॉन्ग साइड बुलवा ली। वहां फेरे चल रहे पीछे दो बाराती गुजर गए पता ही नहीं चला वो भी गुजर। चलो कोई नहीं दो प्लेटें कम लगेंगी। कोई रिस्पेक्ट नहीं भाई। जीब्रा क्रॉसिंग को तो मजाक समझते हैं हम लोग। जीब्रा क्रॉसिंग तो एक्टिंग है बस कुछ नहीं है वो। मैंने यही सीखा था। मैंने वही एम्स्टरडैम में एक चीज देखी थी लोगों ना जीब्रा क्रॉसिंग के पहले रुक जाते हैं। लोगों बहुत अच्छी बात है मैं भी करूंगा ये चीज। मैंने एक दिन गाड़ी रोकी वहां पे 30 सेकंड का सिग्नल और बचा हुआ था। सारे बाइक वाले ज्यों एक गाड़ी ने काट के आगे लगा दी। सब आगे लग गए भाई मेरे। जब वो सिग्नल ग्रीन हुआ वो सब निकल गए मैं जीब्रा क्रॉसिंग वापस फंस गया। मगर ये तो जिंदगी है। एक बार मैंने पता है जीब्रा क्रॉसिंग की आधी बनी देखी थी पता है। आधी जीब्रा क्रॉसिंग बनी हुई थी क्योंकि जो बना रहा था उसको उड़ा दिया था। कोई रिस्पेक्ट नहीं है पेडेस्ट्रियन की यहाँ पे। एक अठन्नी की इज्जत नहीं है। बाकी को बोला मेरे खुद के दोस्ती होती आपको पता है पूरी दुनिया में येलो लाइट का मतलब क्या है। यू आर लुक लाइक वेल ट्रेवल्ड पीपल यू नो येलो लाइट का मतलब क्या है। गाड़ी स्लो करनी होती है और यहाँ जितने 600 लोग बैठे हैं अपनी आत्मा से पूछ के बता देना तुम्हें आज तक वो येलो दिखी ही नहीं है। तुम्हें वो ग्रीनिश येलो ही दिखती है जिसको दिखे बढ़ाओ मैं क्या मर जाए मौत हो जाए हमारे 30 सेकंड बचने चाहिए। सब निकाल देते भाई। ऐसे ही करा मेरे एक दोस्त ने पता एक बार ऐसे ही करता। हम गाड़ी में जा रहे थे उसने ऐसी टाप दी बत्ती। बंदा जा रहा था जीब्रा क्रॉसिंग पार करता उसको ठोक दिया एकदम अचानक से। वो ठुक के साइड में गिरा। आपको पता है दिन की कितनी मौतें होती है पेडेस्ट्रियंस की जस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग। एनीवन वांट टू टेक अ गेस। 500। अरे ये कौन है मौत का सौदागर फिर रैंडम नंबर बोल दिया 500। ये तो फिर भी ठीक है। कल मैंने पुणे में शो करा एक लड़की गाड़ी 10,000। मैम वो GTA गेम अलग है। मैंने कहा ये चलती सड़क पे ये उड़ाओ खत्म करो। नेक्स्ट कौन है नेक्स्ट आ सर गाड़ियां दिखेंगी सबको उड़ा दो साइकिल पैदल सबको उड़ा दो। इतने नहीं 80 लोग मर रहे 80 लोग दिन के पेडेस्ट्रियन बिकॉज ऑफ केयरलेस ड्राइविंग ऑफ पीपल क्योंकि सभ्यता नहीं है सड़क पे। भाई सही बताओ 80 लोग मर रहे दिन के 80 लोग। बाय द टाइम द शो एंड्स 3 पीपल आर श्याम। तो सही से चला लो। मैं उसमें सही बता रहा हूँ मेरे दोस्त ने ठोका ना उस बंदे को जो पैदल जा रहा था उसको ठोका। भाई हमने पट्टी वट्टी कराई उसकी और मेरे को इतना खुंदक चढ़ी यार। मैंने सेम बात बोली उसे मैं तेरा तमीज़ नहीं है। एक तो पेडेस्ट्रियन के लिए वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सरकार कुछ कर नहीं रही हम लोग ढंग से चलाते नहीं इनकी कोई इज्जत करते नहीं दिन के इतने लोग मर जाते हैं तमीज़ नहीं है ढंग से चला लेकर गाड़ी यार तू थोड़ा स्लो कर ले तेरा क्या चले जाता। कह रहा सॉरी भाई आगे से ध्यान रखूंगा। मैं चल ठीक है चल फिर। अगले सिग्नल पे जाके मुझे कह रहा एक बात बता दे भाई ये पेडेस्ट्रियन क्या होता है। मैं कहा भाई बच्चों का डॉक्टर। मुझे पता है कम से कम 50 है जिनको जोक समझ ही नहीं आया। कम से कम 50 प्रेशर में था बजाओ भाई अच्छा है कुछ। ये भी साइंस वाला जोक होगा हमें क्या मतलब साइंस मेडिकल वाला है ये। किसी को भाई पेडेस्ट्रियन सिर्फ अपने साथ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है इस देश के अंदर। सिर्फ क्राइम करवाने के लिए पैदा हुआ है। उस दिन दिल्ली की बात है मेरा भाई घर के बाहर निकला वॉक करने के लिए। रात को 11 बजे की बात थी। फोन बता मेरे साथ कह रहा हेलो भैया मैं ना वॉक करने आया हूँ। मैं कहा भाई वॉक तो करना बहुत ही अच्छी बात है शाबाश। उसने ये बात बोली ही थी यहीं से फोन खिंच गया। उसका खुद का हाथ ही अपनी कनपट्टी पे लगाया मैं ही फुद्दू हूं जो रात को निकला। पर जो चोर था वो अच्छा इंसान था उसने मुझे बोला हेलो भैया फोन चोरी हो गया बाय।
आपको पता है फिरंगी ब्लॉगर आके इंडिया में क्या वीडियो बना रहे हैं, हाउ टू क्रॉस रोड इन इंडिया, 3.5 मिलियन व्यूज उसकी स्टार्टिंग है, ये लुक लेफ्ट लुक राइट प्रे टू गॉड अ लिटल एंड ऑलवेज कीप योर हैंड लाइक दिस, ही माइट बी एबल टू रीच ऑन द अदर साइड.